नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश हो या विदेश, हर जगह की खबरों तक पहुंचाते हैं हम आपको। तो आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या है खास, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकल पाया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर सिर्फ लीगल वोटों को गिना जाए तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन फर्जी वोटों को गिना जा रहा है। चीन में गैस विस्फोट की घटना सामने आ रही है, जहां चीन के उत्तर पश्चिमी शांसी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट से 4 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार की हुई घटना के दौरान खदान में 42 श्रमिक काम कर रहे थे। खदान में विस्फोट के बाद 8 श्रमिक लापता हो गए, जबकि 34 लोग बचा लिए गए। शेष लापता मजदूरों की तलाश चल रही है। रूस के विशेष सुरक्षा बलों का एक दस्ता संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए बृहस्पतिवार को पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान सेना ने यह जानकारी दी है। पाक सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और रूस के बीच यह 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और बता दें कि यह अभ्यास 2 हफ्तों तक चलेगा। भारत और नेपाल के बीच के मतभेदों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस वक्त नेपाल के दौरे पर हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानक उपाधि से सम्मानित किया। पिछले करीब 20 साल से रूस पर राज कर रहे राष्ट्रपति पुतिन अगले साल की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने इस्तीफा देने की अपील उनकी गर्लफ्रेंड जिमनास्ट अलीना कबाइवा और उनकी 2 बेटियों के कहने पर किया है। बता दें कि पुतिन इस वक्त पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं।